हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन पर सेकंड की। क्वेश्चन सेकंड है आपके सामने, 2 बाय रूट x + 3 बाय रूट y इज इक्वल टू 2 एंड 4 बाय रूट x - 9 बाय रूट y इज इक्वल टू -1। इनको पहले हम लीनियर में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ से x और y का मान निकलेगा। तो सबसे पहले वही आपको सॉल्यूशंस में लेट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं इस बार, यहाँ पर 1 बाय x था पिछली बार तो मैंने उसको लेट किया था, इस बार 1 बाय रूट y x है तो उसको लेट कर रहे हैं। यहाँ पर 1 बाय रूट y है तो इसको हमने q लेट कर लिया। ठीक है, अब इस इक्वेशंस को अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, 2 बाय रूट x + 3 बाय रूट y इक्वल्स टू 2, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1 बाय रूट x, ठीक है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 1 बाय रूट y इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर रिप्लेस कर दो वैल्यू 2 बाय 1 बाय रूट x को क्या लिखेंगे, p, सॉरी, और 1 बाय रूट y जो उसको हमने q लेट किया है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 × q। ठीक बेटा, तो फाइनली ये आपका इक्वेशंस बन जाएगा, 2p + 3q इज इक्वल टू 2 इक्वेशन 1। यानी लास्ट जो इक्वेशन था उसमें हमारे डिनोमिनेटर भी थे तो हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ा था, यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पे सिंपल हमने 1 बाय रूट x 1 बाय रूट y को अलग किया है और 1 बाय रूट x की जगह p रख दिया और 1 बाय रूट y की जगह q रख दिया, मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई भी कर दिया। आगे अगर हम इसको सोल्व करें तो ये हमारा है 4 बाय रूट x - 9 बाय रूट y इज इक्वल टू क्या है बेटा, -1। तो अगर मैं इसको लिखूँ तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 4 बाय 1 बाय रूट x -9 बाय रूट y है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई 1 बाय रूट y इज इक्वल टू -1। ठीक बेटा, ये हो जाएगा 4 × 1 बाय रूट x को हम लिख सकते हैं p - 9 × इसको लिख सकते हैं कि हो जाएगा -1। मल्टीप्लाई करो, 4p - 9q इज इक्वल टू -1। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड को आप जिस भी विधि से सॉल्व करना चाहते हो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो विलोपन से करते हैं, तो मैं यहाँ पे टारगेट करता हूँ p को विलोपित करने के लिए। q को विलोपित करने के लिए हमको 3 का गुणा करके जुड़ना पड़ेगा और p को विलोपित करने के लिए 2 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो 4 है, अगर मैं यहाँ 2 से गुणा कर दूंगा तो ये भी 4 हो जाएगा और फिर इसको घटा देंगे। ठीक है, तो आपको यदि q को विलोपित करना है तो आप ऐसे करो। चलो, आपको मैंने पिछला क्वेश्चन p को विलोपित करके दिखाया था, अब q को विलोपित करते हैं। तो यहाँ पे देखो 9 है तो यहाँ पे 3 है, तो ये 9 कब बनेगा, जब 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो ऑन मल्टीप्लाइंग बाय इक्वेशन 1 बोथ द साइड, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करने पर। क्यों बेटा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर q को विलोपित करना चाहते हैं और q विलोपित कब होगा, जब दोनों समीकरणों में q का गुणांक समान होगा। तो आइए गुणा करते हैं, 3 का दोनों पक्षों से होगा, 2p + 3q इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3। करो, 6p + 9q इज इक्वल टू 6। ये हो गया आपका इक्वेशन थर्ड। अब देखो ये सेकेंड और थर्ड को, सेकेंड और थर्ड जो है आप लोग देख पा रहे हो कि 9 9, यानी कि इनके गुणांक समान आ गए। तो आप क्या करो, प्रतिस्थापित करने के लिए घटाते हैं या जोड़ते हैं, जुड़ने पे अगर कट रहा है तब भी जोड़ देंगे और घटाने पे कट रहा है तो घटा देंगे। तो समीकरण 2 और 3 को फिलहाल जोड़ने पर ही ये कट जाएगा, इसलिए 2 और 3 को मैं जोड़ रहा हूँ। और एक बात ध्यान रखें बेटा कि जब भी हम दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो चिन्ह परिवर्तित नहीं होते। ठीक है, तो ये आपका समीकरण 2 है, नीचे 4p - 9q इज इक्वल टू -1 और ये है 6p + 9q इज इक्वल टू 6। यहाँ पर आप लोग जोड़ रहे हो, चिन्ह नहीं बदलेंगे। तो जोड़ने पर देखो ये प्लस है, ये माइनस है, तो कट जाएगा, 6 और 4 जुड़ के 10p हो जाएंगे और यहाँ पर आएगा 6 में 1 घट जाएगा और आएगा 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा p = 5/10, 10 गुणा से भाग में चले जाएगा, कट जाएगा 1/2, तो p का मान आ गया आपके पास 1/2। अब बेटा p के मान को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो आप p के मान को पुट कर दो समीकरण 1 में। चलो p के मान को समीकरण 1 में रखने पर, p के मान को कहाँ रख दें, समीकरण 1 में। समीकरण 1 ये रहा 2 गुणा पी के डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, 1/2 + 3 के साथ क्यू इज इक्वल टू 2। क्या किया सर, समझ नहीं आया। समीकरण 1 को देखे, इसमें पी जो है 2 के गुणा में और पी का मान क्या है 1/2, तो 2 गुणा में पी की जगह 1/2 लिख दिया ऊपर से। अब ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 1 + 3q = 2। अब बेटा क्या करेंगे, इसका पक्षांतर करना पड़ेगा हमको, तो 3q = 2 - 1 हो जाएगा। देखो ये प्लस का बन उधर जाके माइनस का बन हो गया है ना। अब बात करें अगर हम 3q = तो 3q = 2 - 1 तो 1 हो गया, तो q का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 1/3। अभी क्या आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया, नहीं, अभी आपको ओनली p और q का वैल्यू आया, आपको निकालना है x और y का जो कि आपने लेट किया था। तो
आप लोगों ने लेट किया है 1 बाय रूट एक्स इज इक्वल टू पी और 1 बाय रूट वाई इज इक्वल टू क्यू। उसके लिए क्या करें, लिख लो 1 बाय रूट एक्स इज इक्वल टू पी का वैल्यू आया 1 बाय टू और 1 बाय रूट वाई इज इक्वल टू क्यू का आया 1 बाय थ्री। पहले तो इन दोनों का पलटा मार दो, रूट एक्स इज इक्वल टू टू हो जाएगा और रूट वाई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। अब बेटा आपको किसका वैल्यू चाहिए, आपको तो सिर्फ एक्स का चाहिए ना, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर कर दो तो टू का स्क्वायर हो जाएगा, रूट वाई का भी स्क्वायर कर दो तो थ्री का स्क्वायर हो जाएगा। रूट एक्स का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, एक्स इज इक्वल टू टू का स्क्वायर फोर आ जाएगा और रूट वाई का स्क्वायर ये हो जाएगा वाई, और थ्री का स्क्वायर सिक्स नहीं होता, थ्री का स्क्वायर होता नाइन, थ्री का स्क्वायर होता थ्री मल्टीप्लाई थ्री तो नाइन हो जाएगा। ठीक है, तो y का 4 आ गया, सॉरी y का 9 आ गया और x का वैल्यू यहाँ पे 4 आ गया। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बेटा यदि आपको ये वीडियो समझ में आया तो पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे इस यूट्यूब चैनल डी वी के मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।